फाइनली महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना नया दांव इलेक्ट्रिक सेगमेंट में खेल दिया है। कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा XUV 400 को पेश कर दिया है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक कार कैसी है, इसमें कितना पावर है, कितना रेंज है, कितने फीचर्स हैं और भी बहुत कुछ। सबसे पहले बात करें इसके एक्सटीरियर लुक की, तो इसको 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट, जिसमें ब्लू कलर ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। बात करें इसके डिजाइन की, तो यह महिंद्रा XUV 300 कार की तरह ही दिखता है। केवल इसके फ्रंट ग्रिल को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, जिसके कारण इसकी पावर और एफिशिएंसी बढ़ जाए, और साथ में महिंद्रा का नया लोगो भी दिया गया है। वहीं हर कलर ऑप्शन में आपको सभी जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह केवल आपको कॉपर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इसकी लेंथ XUV 300 से लंबी कर दी गई है। वहीं इसके इंटीरियर की बात करें, तो वो भी सेम टू सेम XUV 300 की तरह ही रखा गया है, लेकिन इसमें आपको 60 से ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स, फन, फास्ट और फियरलेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 8.3 सेकंड में पकड़ लेती है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसी के साथ इसमें लगा हुआ 110 किलोवाट का परमानेंट इलेक्ट्रिक मोटर, जो 310 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं बैटरी हमें देखने को मिलता है 39.4 किलोवाट आवर का, जो IP67 सर्टिफाइड है और ये 50 मिनट में 80% चार्ज हो जाता है। बात करें रेंज की, तो महिंद्रा का दावा है कि सिंगल चार्ज में 456 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। वहीं इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की है। आप सोच रहे होंगे इसकी कीमत कितनी होगी, तो इसकी कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इसकी जानकारी जनवरी 2023 में दी जाएगी, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि महिंद्रा पिछले कुछ महीनों में कई इलेक्ट्रिक कार शोकेस्ड कर चुकी है, लेकिन मार्केट में आने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि हम क्या ही बोले। बाकी आपको क्या लगता है, ये नेक्सॉन EV को बीट कर पाएगी या नहीं,